नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह। इंडिया न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि जिस तरह से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत के दौरे पर हैं, G20 में उन्होंने हिस्सा लिया, उसके बाद स्टेट विजिट पर हैं। 100 बिजनेसमैन और 7 मंत्रियों के साथ, पूरे डेलीगेशन के साथ जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत में हैं, लेकिन चिंता जो है पाकिस्तान में है। सऊदी अरब और भारत की नज़दीकी से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की नींद जो है हराम होना स्वाभाविक है, क्योंकि कभी कश्मीर के बारे में दुष्प्रचार करके इस्लामिक मुल्कों को बरगलाने का धंधा अब पाकिस्तान का ठप होता जा रहा है। और भारत और सऊदी और यूरोप के नए आर्थिक गलियारे से भी पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ उसके दोस्त चीन भी इसको लेकर परेशान है। इस बात की सबसे खास उम्मीद थी पाकिस्तान को कि सऊदी अरब के साथ जो भारत का रिश्ता है इस स्तर तक नहीं जाएगा, लेकिन जो जिस तरह से कॉरिडोर का ऐलान, उसके बाद जो समझौता हुआ भारत के साथ, सामरिक के साथ साथ आर्थिक राजनीतिक, उससे जो है पाकिस्तान में बौखलाहट साफ तौर पर दिखा जा सकता है। और पाकिस्तान की जनता सोशल मीडिया पर अपनी सरकार के खिलाफ लगातार आग उगल रही है। दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले ही सऊदी प्रिंस की इस्लामाबाद यात्रा रद्द हुई थी और सऊदी प्रिंस को पाकिस्तान यात्रा के लिए समय नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक भारत की बात है, भारत के लिए समय ही समय है। तो अपने पुराने दोस्त के इस रुखेपन से पाकिस्तान का दिल टूटना लाजमी है। और पाकिस्तान का चिंता, पाकिस्तान का परेशानी का सबब का बड़ा कारण नई दिल्ली से जो कॉरिडोर की घोषणा की गई, उससे जो है वो परेशान है। जो नई दिल्ली में जो महत्वपूर्ण भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा से जो है पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, वो परेशान है कि पाकिस्तानियों में अपने सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त आक्रोश है कि अगर एक नरेंद्र मोदी हैं कि किस तरह से G20 का आयोजन करते हैं, विश्व के नेताओं के साथ उनकी कितनी जो है पर्सनल टच है, किस तरह से G20 दिल्ली डिक्लेरेशन को जो है एक सभी को एक टेबल पर लाना एक कम बड़ी बात नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कर दिखाया। पाकिस्तान की चिंता जो है इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड के दो प्रमुख देश सऊदी और UAE इसमें जो हैं शामिल हैं। दूसरा यह है कि आर्थिक गलियारा बनने से चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को प्रभावित होना तय है। अब बात करें कि पाकिस्तान का जो डर का जो दूसरा जो कारण है डर का, सऊदी के अरब के जो कुछ दिनों पहले जो $25 अरब के भारी भरकम का निवेश पाकिस्तान में करने के लिए कहा था, उस पर कहीं ऐसा है नहीं कि पानी पड़ जाए। सऊदी वैसे ही कुछ दिनों से इस निवेश प्रोग्राम पर चुप्पी साधे हुए है। तो ये पाकिस्तान का चिंता कारण है। साथ ही साथ अगर और कारण की बात करें तो सऊदी और जो पाकिस्तान है वो पुराने दोस्त रहे हैं, इसलिए वहाँ पर पाकिस्तान में अभी इस समय केयरटेकर सरकार है और सेना अपने वहाँ पर पूरी ताकत के साथ है और सेना भी सऊदी प्रिंस के इस झटके से घायल है। तो इस्लामी फोरम में सऊदी का साथ न मिलने का डर, ये पाकिस्तान को जो पांचवा कारण है, ये है कि पाकिस्तान कुछ साल पहले तक सऊदी अरब के जरिए भारत के खिलाफ OIC में दबाव बनाता था, कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार का दुष्प्रचार करता था। लेकिन अब जिस तरह से भारत और सऊदी अरब के रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, इससे
पाकिस्तान जो है परेशान है, साथ ही साथ उसका दोस्त जो है चीन भी परेशान है कॉरिडोर को लेकर, साथ ही साथ ये जो दोस्ती है उससे परेशान है। जो हाल के बरसों में आप देखें तो सऊदी और पाकिस्तान के संबंध बिगड़े हैं, और जिस तरह से भारत और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ, ये भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि सामरिक दृष्टिकोण से ये दोस्ती काफ़ी महत्वपूर्ण है, और समझौता में बात करें सामाजिक आर्थिक रणनीतिक कई समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो आने वाले समय में जो है पाकिस्तान के लिए जो मुसीबत की पहाड़ आने वाली है।